हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 20 तारीख मंगलवार। चलंतु जानने पाछे दिन टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेश ठारु आरंभ करी ओडिसा रा समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आपण जानी परिबे। सेथिपई आपण को अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने एपर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करिनहंती तले तले थिपा रेड कलर रा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करी पाखरे थिपा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु, जहा द्वारा समस्त न्यूज रा नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजर प्रथम खबर, नवीन पूजा फेटी। राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 3% वृद्धि। राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्तार 3% वृद्धि करा जायछे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संक्रांत प्रस्ताव को अनुमोदन करिछन्ते। एहाफल सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 31% 34% को वृद्धि पाई। यह पिछला भाव 2022 जानुरी पहलू लागू कर संशोधित हार में पेनसन पाता पेनसनभोगी टीआई में 3% वृद्धि कर कर्मचारी और पेनसनभोगी चलित मस दरमार वर्धित भत्ता पाया सहित 2022 जानुरी अगस्ट पर्यंत बकिया भत्ता अलग भाव में प्रदान होद्वारा राज्य सरकार 4 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेनसनभोगी उपकृत हे। परवर्ती खबर, सृष्टि होला लघुचाप क्षेत्र, प्रबल छेचिप। पश्चिम केन्द्रीय पंगोपसागर अंचल सृष्टि लघुचाप क्षेत्र। उत्तर पंगोपसागर और केन्द्रीय पंगोपसागर अंचल सक्रिय रही घूर्णिप्रलय प्रभाव में काल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि फल आहरी घनीभूत हो लघुचाप परिणत हो परे हा उत्तर पश्चिम दिखे ओडिशा उपकूल आड़ गति कर संभावना रही है। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पापाग केन्द्र तरफ सूचना दीजिए फल गतु लग रही वर्षार परिमाण आहरी बढ़ी जनाई केन्द्र तरफ मिलता सूचना अनुसाई उत्तर पश्चिम पार्श्वर्त पश्चिम केन्द्रीय पंगोपसागर अंचल लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रही है। यह जड़ित घूर्णिप्रलय वायुमंडल 5.8 किलोमीटर जाए व्यापी आज अधिक घनीभूत हो लघुचाप परिणत हो घूर्णिप्रलय प्रभाव में गतकालू विभिन्न जिले में वर्षा लगी रही है। आज वर्षार परिमाण बढ़ी आकलन कर। परवर्ती खबर, कटकु पुणि 3 लाख टंकार नकली औषध जबत। कटकु पुणि 3 लाख टंकार नकली औषध जबत हो दलमुंडाई महताप रोड स्थित एक ट्रांसपोर्टर नकली औषध जबत कर पुरीघाट थाना पुलिस। भिआर ड्रग एजेन्सी नकली औषध कलिकतारु मकईवा पुलिस पक्ष सूचना दीजिए। भिआर ड्रग एजेन्सी मालिक राहुल क्याल को गिरफ्त कर जबत औषध रक्तचाप रोकी खाऊ टेलमा 40 और टेलमा एएम जनाई सूचना सख्य नकली उच्च रक्तचाप औषध कारबार संपुक्त दुई औषध माफिया राहुल क्याल और संजय जलाना दुईट ब्यांक आकाउंट 28 लाख टंका जबत कर पुरीघाट थाना पुलिस। राज्य बाहर नकली औषध आमदानी ओडिशा जो कारबार होता से टंका पुलिस जबत करने केलेंकारी संपृक्त अन्य डिलर मैंने आतंकित हो जाते। परवर्ती खबर, वरिष्ठ बीजेपी विधायक विष्णु सेठी आउ नाहंती। वरिष्ठ बीजेपी विधायक विष्णु सेठी आउ नाहंती कल सकाल 7:45 समय एम्स चिकित्साधीन अवस्था परलोक घटी मृत्यु बेलू मात्र 61 वर्ष बयस होता से दीर्घ दिन धरी किडनी रोग से पीड़ित थे भुवनेश्वर एम्स भर्ती कर विधवा पत्नी गोटे पुत्र और कन्या अच्छा से भद्रक जिलार थामनगर निर्वाचन मंडल विधायक भाव में गत विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचित होते यह पूर्व से 2000 चांदपाली निर्वाचन मंडल विधायक भाव में निर्वाचित होते विधायक विष्णु सेठी विरोधी दल उपनेता भाव में भी दायित्व निर्वाह करते बीजेपी जड़े बड़ नेता और सरकारी दल तीव्र समालोचक भाव में परिचित थे से केवल जड़े राजनेता नर से जड़े साहित्यिक भाव में भी बेस परिचित जड़े मेलापी और सालिस विहीन व्यक्ति भाव से खूब जनाशुना थे से घासफुल साहित्य पत्रिकार संपादक भी थे से काजु निगम अध्यक्ष भी थे। परवर्ती खबर, 4 बगी चली नुआकाम पुरी पासेंजर। बहु दाबी बात बिवाद पर नयगढ़ जिलूर इतिम्धे पुरी को ट्रेन सेवा पुनर्बार आरंभ हो मात्र किस ते ट्रेन सेवा आरंभ होता बेले प्रथम यह प्राय 7 बगी सहित चलाचल करुला तेज लोक नहवा कारण 3 बगी काढ़ी दी जा बेले बर्तमान यह 4 बगी चलुचे तेज धीरे धीरे पासेंजर ट्रेन प्रचार प्रसार पर लोकों जावास अभ्यास बढ़ी बगी संकट बर्तमान बड़ समस्या भाव में उभा हो बगी थी बेले जात्री नगी कमी बेलू जात्री पढ़ा विचित्र स्थित सृष्टि रेल विभाग तरफिया निष्पत्ति जात्री मध्य असंतोष प्रकाश पाए बगी संख्या बढ़ावा नयगढ़ नागरिक मंच पक्ष दापी कर एने गणमाम जरिया मंच पूर्वत रेलपथ करतृपक्ष निकट में दापी कर पूरी भाई एक गुरुत्वपूर्ण स्थान को चलाचल कर ट्रेन में मात्र 4 बगी रही जिलार 10 लक्ष ऊर्ध जनसाधारण को उपहास सदृश बोली मंच पक्ष कई। परवर्ती खबर, मो पिलार मृत्यु पई डाक्तर दायी थाना पहुंचला केन्दुछड़ शिशु मृत्यु मामला।
केन्दुझर जिला मुख्य चिकित्सालय चौबीस घंटे छह जन शिशु मृत्यु घटी अभियोग तुम्बी तोफान आरंभ हो कथा थाना पहुंचला निज नवजातक को हर काम देहरी नामक व्यक्ति केन्दुझर टाउन थाना एने इतला निज पिलार मृत्युपी से कार्यरत डाक्तर को दायी करायित्वहीनता जो छुआर जीवन जाते पुलिस सतला को ग्रहण कर तदंत पर दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान काम देहरी अपरेसन कर मोर छुआ जन्म कले कह बात हो कटक नहीं जाओ कटक नहीं पारिनी बोली कहीपुर आयुष रखिले देखा करपर छुआ मरीजा कथा कहले तेणु मो छुआ मृत्युपी डाक्तर दायी चौबीस घंटा मधे मेडिकल छह जन शिशु मृत्यु होता अभियोग तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाई हेले चौबीस घंटा भितर छ नुहे बर चार मृत्यु होता गणमाध्यम सम्मुखें स्पष्ट कर परवर्ती खबर कटक बड़ मेडिकल रे मदपी कर्मचारी निलंबित उपरे चली बिलिंग काउंटर आ तले बस पिउछंती मद एपली किछ दृश्य सामना को आसी कटक बड़ मेडिकल रो कटक बड़ मेडिकल भितर कर्मचारी मद पिउथिबा अभिजोग होइछे एससीबी मेडिकल टिकेट काउंटर भितर पसी मद पीपारे जन कर्मचारी व्यस्त थिबा नजर आसिछंती ए भिडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होउछे टिकेट काउंटर भितर पसी कर्मचारी मद पिउथिबा फिटुवटी कटक बड़ मेडिकल रो काजुअलिटी रो बोली कुहा जाउछे तबे एहा केबे करे भिडियो ता जणा पड़ी नाही पूर्व बहुपार मेडिकल काजुअलिटी कर्मचारी माने रोगी संपर्कों ठू टा आदाय करुवा अभियोग होता यापर मेडिकल कर्तृपक्ष तदंत कर पदक्षेप नहीं पुणि थे एभली एक सांघातिक भिडियो सामना को आसवा पर एसीबी मेडिकल प्रशासनिक अधिकारी प्रतिक्रिया रखिंट भिडियोर जांच पर संपृक्त कर्मचारी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर लिफ्ट अपरेटर ठिका कर्मचारी संतोष नायक को निलंबित एसीपी कैंपस मना कर घटना आउ कहार संपृक्ति अच्छी नहीं से नहीं तदंत हो मेडिकल कर्तृपक्ष परवर्ती खबर बीजेपी विधायक विष्णु सेठी वियोग शोक प्रकाश कले प्रधानमंत्री वरिष्ठ बीजेपी विधायक विष्णु सेठी वियोग शोक प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री ट्वीट कर लिखिशार प्रगति पर श्री विष्णुचरण सेठी अवदान अतुलनीय जड़े कठिन परिश्रमी विधायक भाव निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने सामाजिक सशक्तिकरण योगदान प्रशंसाजोग्य वियोग दुखित पर समर्थक मान समबेदना ओम शांति वरिष्ठ बीजेपी विधायक तथा विरोधी दल उपनेता परलोक में बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक प्रकाश कर विधायक विष्णुचरण सेठी परलोक ओडिशा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशलाल गभीर शोक प्रकाश कर जड़े दक्ष विधायक और लोकप्रिय राजनेता भाव में वर्णना कर अमरात्मार सद्गति कामना कर राज्यपाल ठीक से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी गभीर शोक व्यक्त कर परवर्ती खबर कटक गस्त कर एससीबी बड़ मेडिकल संप्रसारण कार्यर समीक्षा कले 5T सचिव फिके पांडियान कटक्रे 5T सचिव फिके पांडियान कटक गस्त काल में से एससीबी संप्रसारण और तालदंडा केनाल कार्य समेत विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करिष्ठ अधिकारी और जिलापा समेत कले आलोचना 2023 सुधा एससीबी संप्रसारण कार्य को संपूर्ण करने उन्नतमान काम निर्देश देते 5T सचिव यह पार्किंग स्थान और केनाल रोड कम को त्वरान्वित करने सूचनाजोग्य गत जानुरी मसने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कटक गस्त समय कटक बड़ मेडिकल रास्ता संप्रसारण नहीं घोषणा करते तालदंडा केनाल बाम और डाण पार्श्व रास्तार संप्रसारण आवश्यकता कहला कटक जिला बाहर एसीपी को आसुवा रोगी यात्रा जोब्रारु कटक बड़ मेडिकल जाए सुविधाजनक करने को रिंग रोड को संप्रसारण कर सरकार निष्पत्ति नहीं एसबू काम चालू रही परवर्ती खबर राहुल गांधी को समालोचना कले कांग्रेस विधायक किसी दिन तले पुणि थे क्षमता को फेरी आसार भारत जोड़ो यात्रा आरंभ कर कांग्रेस दलर यह यात्रा को विरोधी समालोचना करेस विधायक दलर यह यात्रा को समालोचना करप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाई लक्ष्मण सिंह कहते केवल चलवा द्वारा भोट वृद्धि हेब ना कंग्रेस विधायक यह जदि केवल चलवा द्वारा भोट मिलता तेज मेढ़ा चराली प्रधानमंत्री हो जाते यात्रा आरंभ कर दल विलंब कर गोटेपटे मध्यप्रदेश और राजस्थान कंग्रेस राहुल गांधी को सभापति करने संकल्प नहीं बेले दलर विधायक लक्ष्मण सिंह कहते चाप पकाचिपा उचित नुहे परवर्ती खबर 50 रु अधिक सशस्त्र माओवादी अटकाइले ट्रेन अटकाइले माओवादी गतकाली रात छत्तीसगढ़ तांतेवड़ा माओवादी मालपाही ट्रेन अटकाइले सूचना रही ट्रेन अटकवा पर वाकिटकी लुट कर सूचना रही बचाली और भांसी मध्य मालपाही ट्रेन को अटकई माओवादी ट्रेन को अटक 50 रु अधिक सशस्त्र माओवादी खेरी जाते सूचना रही है ड्राइवर और गार्डों ठू 260 वाकिटकी लुटि नहीं पर सांगे आनर पोस्ट मलमाल पंपलेट पांटिदेक लोकपाइलट और अन्न सूचना रही
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ନିକଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାରିଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁକ, ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ ଚାରିଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏଲକନୁର ଓ ଗାଜଲକୋଣ୍ଡା ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ପିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ସାତରେ ପୁଲିସ ଇନ୍ଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁର ଡମ୍ପରୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି ଅସୁସ୍ଥ। ମାଲକାନଗିରିର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍କିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ିଙ୍କ କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।